हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो इंश्योरेंस होता है वही गाड़ी जो है हमारे चलाता है, ऐसा नहीं है। बट इंश्योरेंस जो है, मोर ओवर जो है, दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक तो हमारी खुद की सेफ्टी होती है और दूसरा हमारी कार की जो है उसकी भी सेफ्टी होती है, बराबर। अब तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट तब आता है भाई, जब ये इंश्योरेंस जो होता है ना हमारा, ये रिन्यू कराने का टाइम आ रहा होता है। ठीक है, मान लो अगले महीने हमारे गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो खत्म होने वाला है और हमें जो है ये रिन्यू कराना है। अब कई बार क्या होता है, मैं एज अ बिगिनर बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने रिन्यू कराया था ना, मैं इतना परेशान था कि कैसे कराना, क्योंकि कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे कराना है, किससे मिलना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या दिमाग में बात ऐसी रखनी है कि जिसकी वजह से मैं सही जो अपना इंश्योरेंस जो है वो मैं ऑप्ट कर पाऊँ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं, वैसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें, ठीक है, लेकिन मोस्ट मैं एक ऐसा जो सिंपल लेमेन की जो भाषा है ना, उसमें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा कि पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कभी भी जब भी आप अपने जो इंश्योरेंस उसको रिन्यू कराने जा रहे हो ना, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना आपने, बराबर। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ जितनी भी जो है आपकी जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन जरूर कर लेना, राइट, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कैसे बचें कि आप अपने इंश्योरेंस जो रिन्यू करा रहे हैं, ठीक है, उस पर आप एक्स्ट्रा मनी नहीं दें, मतलब फालतू पैसा खर्चा ना करें। उसका सबसे बेसिक और सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे बचा सकते हैं। देखो, आज की डेट में आपको पता है कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, ठीक है, आज नहीं तो कल आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। छोटे शहरों में रह रहे हो तो वहां चल सकता है कि आप जो एक्सटेंड कर लो 2-4 महीने, इवन कई लोग तो भाई सालों साल तक इंश्योरेंस नहीं कराते। हाँ, वो फंसते हैं जब वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, वहां पे जब चेकिंग वगैरह होती है, वो एक तो फिर आपको रिन्यू कराना तो करे पड़ेगा, आपको ऊपर से फिर चलान जो उस टाइम पे जो पेनल्टी होगी उसकी, नो इंश्योरेंस पे आप गाड़ी चला रहे हो, वो आपको अलग से जो है वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मुद्दे की बात यह है कि जैसे आपको पता है ना कि आपका जो इंश्योरेंस है नेक्स्ट मंथ जो है आपका इंश्योरेंस जो है वो खत्म होने वाला है, तो भाई कभी भी वो डेट एक्सटेंड मत होने दो, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, पता लग जाएगा कि जब भी आप इंश्योरेंस की डेट एक्सटेंड हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद जब रिन्यू कराते हो ना, तो पेनल्टी चार्ज कुछ होता है वो आपका पड़ता है, और कई बार ये जो पेनल्टी चार्ज होता है ये मैक्सिमम 1,500-2,000 रुपए तक भी चली जाती है। ठीक है, तो वो 1,500-2,000 रुपए भी आप एक्स्ट्रा बक्स क्यों दो, जब आपको पता है कि आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना है। तो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा टाइम टू टाइम करें, उससे आप और आपकी गाड़ी दोनों सेफ है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, जब भी आप अपनी नई गाड़ी खरीदते हो ना, उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो इंश्योरेंस फटाफट जो है वो बनाया जाता है, एक पैटर्न चलाता है कि ये आपको ये चीज़ लेनी है। ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ मजे की बात तब आती है जब जिन लोगों को नॉलेज होती है वो तो चलो इसमें एक एड ऑन करके होता है, फीचर्स एड ऑन करके होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके जो प्रीमियम होता है ना वो बढ़ जाता है, लेकिन हमको क्या रखता है उस टाइम पे कि भाई हमको जो है प्रीमियम जितना कम दें उतना हमको कम देना है, हमें सिर्फ इंश्योरेंस का मतलब है, उसके अंदर क्या है वी डोंट केयर। ठीक है, बट अब इसके अंदर मजे की बात क्या है कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि गाड़ी जो होती है पुरानी होती चली जाती है, उसकी कॉस्ट जो है वो भी जो है कम होती चली जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसी गाड़ी पुरानी होती चली जाती है ना भाई, तो उसमें जो है वो गाड़ी खर्चा नहीं ले लग जाती है। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन राइट नाउ अभी कैसी है, आपको पता है कि आप किन कंडीशन में चलाते हैं, और कुछ टाइम बाद आने वाले टाइम बाद आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम मे भी शायद आ सकती है, तो आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी में एड ऑन पहले ही करवा लो, जैसे कि इंजन की जो प्रोटेक्शन होती है वो एड ऑन में कवर होती है, जैसे गियर बॉक्स वगैरह, ठीक है, बहुत जो मतलब कॉस्टली जो आपके जो ये जो पार्ट्स होते हैं ना ये भी कवर होते हैं, टायर से रिलेटेड आपकी इवन कीज होते हैं, कीज भी आपकी जो है एडवांस में कवर होती है। तो अगर आपको पता है, आप अपनी गाड़ी को एनालाइज करो कितनी पुरानी हो गई है, आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आप एड ऑन करवा लो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा प्रीमियम में, बहुत ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपको मजा तब आएगा, आप तब प्राउड फील करोगे जब आपकी गाड़ी में अगर कुछ खर्चा हो गया, कुछ पार्ट खराब हो गया और आप रिप्लेस कराओगे ना भाई, तो वो मोटा खर्चा आपकी जेब में जाएगा, बल्कि वो जो इंश्योरेंस है वो जो इंश्योरर है आपका वो हाथ खड़ा कर देगा, वो आपको पे नहीं करेगा चीज का, राइट। तो ये एडवांस वगैरह जो है, अपने जो प्लान्स हैं वो टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से आप इस चीज को अपग्रेड करो, बराबर। तीसरा हो गया हमारा आईडीवी वैल्यू। ठीक है, अब ये आईडीवी वैल्यू जो होती है ना,
इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू होती है कि जैसी गाड़ी जितना जितना पुरानी होती चली जाती है उस हिसाब से आपकी गाड़ी पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज लगता रहता है। जैसी शोरूम से निकलती है आपको 5% तो वैसी गिर जाती है हर साल। फिर क्या होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30% वो फिर क्या होते हैं उस पर जो है डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है, मैक्सिमम 50% तक जो है ये जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि IDV वैल्यू जो होती है ना, कई बार लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि IDV वैल्यू अपनी कम रखें या IDV वैल्यू ज्यादा रखें। IDV वैल्यू मतलब आपकी गाड़ी की जो कॉस्ट है जो आपका इंश्योरेंस होता है वो आपको लगा के देता है, कि इसका मतलब करंट जो अभी जो राइट नाउ आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट कितनी है। वो IDV वैल्यू आपको तब मिलती है जब आपका या तो एक्सीडेंट में या तो फुल टोटल लॉस में या डैमेज वगैरह पे जब हो जाती है या थेफ्ट वगैरह के केस में, उस हिसाब से फिर आपको वो चार्ज आपका वो अमाउंट मिलता है इंश्योरर की तरफ से। IDV वैल्यू जो होती है ना, अगर आप ज्यादा रखवाओगे तो उस केस में एक गड़बड़ क्या होती है कि सपोज करो आपने IDV वैल्यू गलती से ज्यादा रखवा दी। ठीक है, अब जब ज्यादा रख के आएगी ना, सपोज करो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या टोटल लॉस में जाती है, तो उस टाइम पे सेटलमेंट के टाइम पे जो आपका जो क्लेम सेटलमेंट होता है ना, कई बार कंपनी उसमें बहुत आनाकानी करती है क्योंकि उनको उस टाइम पे वो रोक देते हैं, कहते हैं इतनी तो इसकी वैल्यू है ही नहीं जितनी इन्होंने इसमें लगवा रखी है। तो वहां बहुत बड़ा लफड़े वाले काम हो जाते हैं। और अगर कम रखवाओगे, कम रखवाने का फायदा आप ये समझते हो कि भाई कम में क्या होता है कि आपको जो प्रीमियम होता है वो आपको कम देना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज में भाई इस बिल्कुल भी मत पड़ो, जो एग्जैक्ट आपका IDV वैल्यू है वो ही आप लगवाओ। ज्यादा मतलब इस चीज में आप मतलब मत पड़ो कि कम रखवानी है ज्यादा रखवानी है। ठीक है, तो IDV वैल्यू में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आप ध्यान जरूर रखना। ठीक है, चौथे पॉइंट में ये आएगा कि आपको कई बार क्या होता है ना, बहुत तगड़ा क्या होता है डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट किस वे में मिलता है, एक इसमें होती है NCB मतलब नो क्लेम बोनस। ठीक है, अभी नो क्लेम बोनस जो होता है ना वो आपको मिलता है। अब इस ये जो पॉइंट है भाई, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये नो क्लेम बोनस एक्चुअली आपको मिलता तब है जब मान लो आपने इंश्योरेंस कराया, एक साल हो गया और नेक्स्ट उस ईयर में आपने कुछ भी क्लेम नहीं लिया। मान लो कुछ भी आपने क्लेम नहीं लिया, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गई या विंडशील्ड वगैरह कुछ भी आपने कोई क्लेम लिया ही नहीं है, तो वो जो आपका जो होगा ना वो एज एन डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कई बार क्या होता है, जब पता होता है कि कस्टमर खुद ही नहीं कह रहा कि भाई उसमें अगर आ रहा है, तो क्योंकि एक दो बार खुद फाइट करना पड़ता है अपने को डिस्काउंट के लिए, तो अगर NCB जो वैल्यू है जो डिस्काउंट है वो अगर आपके उसमें लिख के नहीं आ रहा है तो आप फाइट करो, बोलो कि भाई मेरे को नो क्लेम बोनस तो मिला ही नहीं है। अगर 20-25-30% 50% तक भी जाता है कई बार ये। ठीक है, अगर इतना मिल रहा है तो भाई आपके तो हजारों रुपए बच जाते हैं ना। तो NCB जो ये आपका पॉइंट है ये हमेशा ध्यान रखना। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई हमारा, कि भाई कई लोग तो कंपनी को जानते ही तक नहीं है, उसकी मतलब पोर्टफोलियो नहीं पता है, उसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि जिससे आप अपना जो इंश्योरेंस है वो करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले फिल्टर कई लोग तो ये लगा लेते हैं कि सबसे सस्ता जो भाई इंश्योरेंस है वो कौन है। अब वो लिस्ट बन के आ जाती है, हम उसके हिसाब से जो है वो चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ो भाई, एक बार सस्ता ले लोगे तो भाई आपको हर बार रोना पड़ेगा, बशर्ते कि आप इंश्योरेंस जो है उन वेल एस्टेब्लिश कंपनी से लो जो मार्केट के अंदर बहुत टाइम से जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी फीडबैक लेना है ना, तो जो आपके सुपरवाइजर या वर्कशॉप के अंदर जो भी लेबर वगैरह जो काम करते हैं ना, मैनेजर वगैरह जो वर्कशॉप के मैनेजर होते हैं, उनके साथ बात करो, उनके साथ आप जो है ना उनके साथ बात करके आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हाँ ये जो आपकी कंपनी है ना ये बेटर है। दो चार नाम बता देंगे तो उसमें से आप देख लो कि आपको जो सा बेस्ट लग रहा है, जिसके अंदर आपका जो पैसे कम लग रहे हैं आप उसको जो है प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, आप रिन्यू के टाइम पे इन 5 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप रिन्यू कराओगे अपने इंश्योरेंस को, आपको डेफिनेटली जो है ना आपको इस चीज का बेनिफिट हमेशा मिलेगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।